Hello everyone, myself Videesha. Today I will discuss about regional geomorphology of Thar Desert. सबसे पहले बात करते हैं regional geomorphology है क्या? Regional geomorphology के अंडर surface के different spatial scale वाले जो geomorphic region हैं उनके geomorphic structure और different landforms की characteristics, उनका evolution और उनका development कैसे हुआ, इन सब चीज़ों की study की जाती है. यानी कि कोई भी particular region है, उस region के जो भी landforms हैं और जो structure है वो कैसे बना और उसका डेवलपमेंट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कैसे रही, इन सब की स्टडी रीजनल जियोमॉर्फोलॉजी के अंडर की जाती है. लेट जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट स्पेशल स्केल मतलब जगह से रिलेटेड लार्ज स्केल, मेसो स्केल, माइक्रो स्केल. लार्ज स्केल के अंडर बहुत ही वास्ट एरिया को ले लिया जाता है, जैसे कि पूरा का पूरा कंटिनेंट. मेसो स्केल में उस एरिया के कुछ डिफरेंट पार्ट्स और स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है. माइक्रो स्केल के अंदर एरिया और छोटा हो जाता है. जियोमॉर्फिक स्टडी के लिए अगर हम किसी रीजन को ले रहे हैं तो सबसे इजी सी यूनिट है ड्रेनेज बेसिन को ले लें. इसी तरीके से हम कुछ जो रीजन है उनकी जियोमॉर्फिक स्टडी करते हैं. तो पहला हमने रीजन सेलेक्ट किया है वो है थार डेजर्ट. देखिए सुरेंद्र सिंह और उनकी टीम थी, उन्होंने 1992 में थार डेजर्ट पे रिसर्च की और अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने एक रिसर्च पेपर तैयार किया. उसी रिसर्च पेपर को अभी हम देखेंगे. जो थार डेजर्ट है उसकी जो लोकेशन है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है. जो थार नाम रखा गया है वो पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है उसके थार प्रकार एक जनपद है उसके नाम पे रखा गया है. इसका जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 22 degrees 30 minutes से लेकर के 32 degrees 5 minutes नॉर्थ लेटीट्यूड तक है. और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो 68 degrees 5 minutes से लेकर के 75 degrees 45 east लॉन्गिट्यूड तक है. जो इंडियन थार डेजर्ट है उसकी जो ईस्टर्न पे जो बाउंड्री है वो अरावली जो रेंज है, अरावली माउंटेन रेंज जो है वो उसकी ईस्टर्न बाउंड्री है. उसकी जो सदरन है वो है कच्छ का रण क्षेत्र, गुजरात का जो कच्छ रण क्षेत्र है. उसके नॉर्थ में है पंजाब और हरियाणा और उसका जो वेस्ट वाला जो पोर्शन है वो इंडिया और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री. ये जो थार डेजर्ट है वो 69% राजस्थान के अंडर है, गुजरात में 21% है और जो 10% एरिया है थार डेजर्ट का वो पंजाब और हरियाणा कवर करते हैं. देखिए जो अभी देखते हैं कि जो थार डेजर्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है. ये पूरा जो डेजर्ट है इसके ऊपर तो रेत और एलुवियल का जो है निक्षेप यानी कि डिपॉजिट है, परंतु इसके नीचे पैलोजोइक और मेसोजोइक पीरियड्स की रॉक्स पाई जाती हैं. देखिए जो इसका नदरन पार्ट है जो थार का है वो सिंधु रिवर सिस्टम का एलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ है सारा. जो इसका साउथ ईस्टर्न जो पार्ट है, ये जो दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है वो अरावली रेंज से जो निकलने वाली नदियाँ थी उनका एलुवियल डिपॉजिट है, मतलब वो एंशियन टाइम पे बना हुआ था. यहाँ पे जो एलुवियल डिपॉजिट है उसकी जो गहराई है वो 5 से 10 meters है. ये जो जैसलमेर और बीकानेर हैं ये एक नैरो बेल्ट है, मतलब एंशियन टाइम पे ये प्लेन जगह थी जो कि जो टर्शरी जो पीरियड था तब बनी थी. इसका 2/3 हिस्सा, पूरे थार डेजर्ट का जो 2/3 हिस्सा है वो पूरा रेत से बना हुआ है. यहाँ पे विंड ने सेडिमेंट को डिपॉजिट कर रखा है और जो ये डिपॉजिट किया गया सेडिमेंट है उसकी जो गहराई है 20 से लेकर के 60 मीटर तक की है. यहाँ पे सैंड ड्यून्स भी पाए जाते हैं. और जो इसका जो ईस्टर्न पार्ट है थार डेजर्ट का, जो इसका ईस्टर्न पार्ट है वो यहाँ पे रेत की जो गहराई वो थोड़ी सी कम है. और जो यहाँ पे विंड ने जो भी लैंडफॉर्म्स बनाए हैं वो प्लिस्टोसीन जो एपोक रहा है उसके बने हुए हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कि भाई यहाँ की क्लाइमेट कैसी है और उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी जियोमॉर्फिक प्रोसेस यहाँ पे एक्टिव रही. जो थार डेजर्ट है यहाँ की जो बहुत ही विषम और कठोर मॉनसून क्लाइमेट रही है. यहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल की एक्सट्रीम कंडीशन पाई जाती हैं. अगर गर्मियों में टेम्परेचर देखें
तो 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, और अगर विंटर में टेम्परेचर देखें तो 5 to 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ की जो रेनफॉल है वो एवरेज रेनफॉल तो 345 मिलीमीटर है, लेकिन रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। किस तरीके से देखिए, जो इसका वेस्टर्न जो हिस्सा है, जो इसका जो वेस्टर्न हिस्सा है, यहाँ पे 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। इसके जो पूर्व में है लाइक ये पाली, सीकर, झुंझुन, यहाँ पे जो बारिश होती है वो 400 मिलीमीटर तक होती है। इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है यहाँ पे बारिश 537 मिलीमीटर तक होती है, और जो साउथ वाला जो हिस्सा है कच्छ और जामनगर वाला, यहाँ पे 575 मिलीमीटर बारिश होती है। जो यहाँ की जो टोटल रेनफॉल है उसका 78 से लेकर के 96% जो भाग है वो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से प्राप्त होता है, जो कि यानी कि जो गर्मियों में बारिश होती है उससे। लेकिन अगर यहाँ पे रेनफॉल की नेचर देखें तो मतलब पूरी जो एनुअल रेनफॉल है वो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाती है, लाइक 15 से 16 दिन में, और वो भी पूरी हाई होती, मतलब मूसलाधार वर्षा होती है। और इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन देख के हम सिर्फ इतना ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे दो ही प्रकार के जियोमॉर्फिक प्रोसेस काम कर सकते हैं। फर्स्ट है एओलियन प्रोसेस और सेकंड है हाइड्रोलिक प्रोसेस। मतलब या शुष्क है, ड्राई अगर क्लाइमेट है तो एयर वहाँ पे अपना काम करेगी, और अगर वेट है मतलब बारिश भी होती है तो वहाँ पे फिर अपना वाटर स्टार्ट हो जाता है काम करना। इसके बाद बात करते हैं कि जो थार डेजर्ट है उसका मोर्फोजेनेटिक डिवीज़न कैसा है, यानी कि जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, लैंडफॉर्म्स हैं, वो कब बने, कैसे बने, इस तरीके से देखते हैं। जो थार डेजर्ट है इसका जो भी मतलब जियोमॉर्फिक हिस्ट्री रही है वो सारी क्वार्टनरी जो पीरियड है उससे रिलेटेड है, और यहाँ पे इसके जो भी लैंडफॉर्म्स रहे हैं उनका ओरिजिन के मेन दो ही कारण हैं। फर्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशन, दूसरा है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। देखिए यहाँ की ना जो क्लाइमेट है उसमें बार बार में उतार चढ़ाव आए हैं। कभी क्लाइमेट आर्द्र यानी कि ह्यूमिड हो गई है, कभी क्लाइमेट ड्राई हो गई है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च देखें तो जो 40,000 साल पहले, आज से 40,000 साल पहले यहाँ की जो क्लाइमेट थी वो थोड़ी सी ह्यूमिड थी, तो जो अरावली के पश्चिमी ढाल वाली जो नदियाँ थी उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरा डेवलप था अच्छे तरीके से उस टाइम पे। तो जो लूनी जो रिवर थी और उसकी जो भी सहायक नदियाँ थीं उन्होंने यहाँ पे एल्यूवियल जो प्लेन है उसका निर्माण किया था। उसके बाद 40,000 से लेकर के 10,000 साल पहले तक का जो टाइम था, फिर जो क्लाइमेट थी वो चेंज हो गई और एक ड्राई स्टेज आ गई। ड्राई स्टेज आई तो यहाँ पे जो विंड थी उसका प्रोसेस एक्टिव हो गया, तो यहाँ पे सैंड ड्यून्स बन गए, रेतीले मैदान बन गए, और अधिकांश जो जल धाराएं थी वो रेत के नीचे दब गई। उसके बाद 10,000 से 3800 साल पहले तक क्या हुआ, दोबारा से क्लाइमेट चेंज हुई और फिर दोबारा से वो जो ड्राई थी उससे ह्यूमिड चेंज हो गई, तो फिर वाटर एक्टिव हुआ, तो जो सैंड ड्यून जो बने हुए थे वो इस्टेब्लिश हो गए हमेशा के लिए, और जो इनलैंड बेसिन था उनमें ताज़े पानी की फ्रेश वाटर लेक बन गई। उसके बाद जो 3800 ईयर्स एगो मतलब आज से 3800 साल पहले दोबारा से ड्राई एज आ गई, ड्राई जो स्टेज आई वो आई, तो इसमें क्या हुआ, जो फ्रेश वाटर लेक थी वो टोटली उनका पानी सूख गया और वो साल्ट वाटर लेक में चेंज हो गए। जो इसका दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा था वहाँ पे सलाइन डिप्रेशन बन गए जैसे कच्छ का रण, और आज भी यहाँ पे जो विंड है वो काम कर रही है और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बना रही है जैसे बरखान वगैरह। यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भी हुई हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से भी जो यहाँ का लैंडफॉर्म्स है उस बना है, तो जैसे इसके एविडेंसेस हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कि जो लूनी और जवाई जो प्लेन है वहाँ पे नदियों के किनारों पर डबल जो लेयर्ड रिवर टेरेस है वो मिला है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर दो बार टेक्टोनिक मूवमेंट हुई है। उसके बाद है यहाँ पे मेजर लैंडफॉर्म्स कौन से पाए जाते हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स यहाँ पे हैं पेडिमेंट, प्लाया, सेंड्यून्स, हमोक्स, ये मतलब दोनों हैं, मतलब एलन भी हैं, मतलब वाटर के द्वारा बने हुए भी हैं और विंड के द्वारा बने हुए हैं। थैंक यू।